और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा का लक्ष्य 370 प्लस जिताना है, क्योंकि पीएम मोदी भविष्य के भारत की नींव डालने का लक्ष्य है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ की ऐतिहासिक धरती से ऐलान करता हूं कि यूपी की सभी 80 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता के लिए जो किया वह विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। भाजपा ने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है। चौधरी चरण सिंह का परिवार अब भाजपा का हिस्सा बन गया है। कांग्रेस 60 साल में जो न कर सकी वो 10 साल में हुआ है। रामलला के विराजमान होने पर हर कोई खुश है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने व्यापारियों से कहा कि 400 कमल खिला दीजिए, या चुनाव 5 साल का नहीं भारत का के 100 वर्ष के भविष्य का चुनाव है। भारत इस समय विकसित होने का संकल्प लेकर के 2047 तक आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये शुद्ध रूप से मानसिक स्थिति चुनाव में पूरे हालात पूरे देश में कांग्रेस के हैं, इससे बिगड़ी हुई है। इसलिए उल्टे सीधे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं और श्री राहुल गांधी जी सहित कांग्रेस को माफी इसके लिए मांगना चाहिए। पाकिस्तान से भारत की तुलना करना ये भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत के विकास के पथ पर आगे बढ़ने का जो एक रास्ता बनाए उसका अनादर करने का काम है।